हमारे एसपी साहब पधार चुके हैं। मैं हर चौथा बल्ब हमारे द्वारा उत्पादित बिजली से बनता है। यह ऊर्जा की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम लोगों को प्रारंभ के अवसर पर उपस्थित अपार जन समूह का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम आपको आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। कुछ क्षणों में हमारे अतिथिगण हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं कंपनी से उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, इस पांडू गांव जहां पे हम लोग आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वहां के सम्मानित मुखिया, उप मुखिया, वार्ड मेंबर्स, साथ ही पंचायत समिति के और जिला परिषद के मेंबर्स तथा अगल बगल की गांव से आए हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी गांव से आए हुए हमारे यहाँ के नागरिकगण, मीडिया के हमारे बंधु, उपस्थित सभी एनटीपीसी के पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस माइन के उद्घाटन में बताना चाहता हूँ। जो भी बेनिफिट्स जिला प्रशासन से या एनटीपीसी की तरफ से दिए जाने होते हैं वो निश्चित रूप से आपको दिए जाएंगे। जो भी चीजें यहाँ पे आपको आवश्यक होगी वो आप संबंधित एनटीपीसी के पदाधिकारियों के पास जाकर के अपनी मांगे रखें और निश्चित रूप से उनका हम लोग इंश्योर करेंगे कि उसका पालन हो और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट से आपकी आवश्यकता है उसको हम लोग पूर्ण करें। दी गई है हजारीबाग क्षेत्र में पखने के बाद में एनटीपीसी केरेदारी कोयला खनन परियोजना हमारी तीसरी माइन होगी जो प्रारंभ होगी। इस माइन के चालू होने से, कोयला खनन के प्रारंभ होने से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप
झलकता है, मैं दूं और फिर कुछ न लूं, मैं दूं। बच्चों के चेहरे की खुशी मसले को देखते हैं, चाहे उपायुक्त महोदय हो या जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हो, उनसे अगर ये आप बात पूछेंगे तो वो निश्चित रूप से एनटीपीसी के साथ समन्वय बैठा करके जो आपने समस्या बताई है उसका निवारण करें। सर एक आखिरी सवाल है सर, अभी स्थानीय लोगों को यहाँ की आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? स्थानीय लोगों को ऑलरेडी मैंने अपने भाषण में भी संदेश दिया, इससे पहले भी मैंने कहा है कि आप लोगों का जो रोल है वो काफ़ी सकारात्मक है इस प्रोजेक्ट के तरफ में, और इसी तरह से सकारात्मकता अगर आप रखेंगे तो ये प्रोजेक्ट भी स्मूथ चलेगा। और आप 5 महीने जो हमने आज चालू किया आप सबके सहयोग से, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपका हमारे जो 7 माइन है उसमें से ये 5वां माइन है, और इसमें से 1 माइन है जो कि हमारे उड़ीसा में है, दुलंगा माइन, क्योंकि इस बार ये साल में 7 मिलियन जो इसका पीक रेटेड कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं, जो कि मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी जा सकता है, वो हमने ये साल में अचीव कर चुके हैं। तो इस वहाँ पे भी जैसे गांव वाले शुरू में थोड़ा सा लोगों का अवेयरनेस कम था, बाद में सारे लोगों का सहयोग मिला है तभी हमने ये अचीव कर पाया। इसी टाइप का मैं यहाँ पे भी आशा करता हूँ आप सबका सपोर्ट मिलेगा, गांव वाले के इतना समर्थन दे रहा है आगे भी मिलेगा। हम लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पे कोल प्रोडक्शन चालू करेंगे, और इसका साथ साथ जो विकास होते रहेगा आप देखेंगे 5 साल बाद ये पूरा एरिया एकदम बदल जाएगा। स्थानीय लोगों को क्या संदेश देंगे सर? स्थानीय लोगों को सारा मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग जुड़े ही रहेंगे इसका साथ, एनटीपीसी का साथ, हमारे एनटीपीसी के एमडीओ का साथ। भविष्य में एनटीपीसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज वगैरह या वैसे अभी जैसे अभी जैसे हमने एक ITI यहाँ पे खोला है, ऐसा हो सकता है बाद में ऐसा आएगा तो उसे प्रशासन से बात कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम लोग कर सकते हैं।